हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, पार्ट वन में हमने अपने चैप्टर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। तो अब हम बेसिक टर्म्स देखेंगे, बायोडायवर्सिटी, नॉमेनक्लेचर, उसके रूल्स क्या होते हैं नॉमेनक्लेचर के नेम करने के लिए, और डिफरेंट टैक्सा कौन कौन से होते हैं, टैक्सा किसे कहा जाता है। तो आइए लेट स्टार्ट। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोडायवर्सिटी जो होती है, इट इज़ डिफाइंड एज अ टर्म यूज टू रेफर टू द नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन रीजन ऑफ अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये नंबर ऑफ वेराइटीज़ होती हैं, किसकी प्रजातियाँ होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो हमारी अर्थ में पाई जाती हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज़ नोन 1.7 to 1.8 मिलियन। नीड फॉर क्लासीफिकेशन, क्लासीफिकेशन करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इन टू कैटेगरीज सो that they could be named, remembered, studied and understood. क्लासीफिकेशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी ताकि जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, उनके बारे में जाना जाए, उनका नेम किया जाए और उन्हें याद रखा जाए। तो nomenclature, particular organism is known all over the world by the same name. तो nomenclature क्या होता है, बेसिकली एक साइंटिफिक नाम दे दिया जाता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। अब जैसे मैंगो का एग्जांपल ले लो, मैंगिफेरा इंडिका ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम से ये जाना जाएगा। मैंगो हम यहाँ बोलते हैं, बट अगर हम किसी और कंट्री में चल जाएंगे तो अगर आप मैंगो बोलोगे तो किसी को समझ नहीं आएगा कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो। बट इफ़ यू विल से दैट मैंगिफेरा इंडिका, तो दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मैंगो। तो नॉमेनक्लेचर वो होता है जो एक नाम दे दिया जाता है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम से वो जाना जाता है। प्लांट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे। तो प्लांट्स को जब हमने नॉमेनक्लेचर नेमिंग की जब उसकी, तो वो किसके बेस पर की थी, वो ICBN के रूल्स के बेस पे की थी, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। एंड सेकेंड हमारे पास है एनिमल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया ऑफ ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन दोनों की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक नेम विद टू कंपोनेंट्स, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने का। साइंटिफिक नाम दे दिया जाता है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है, और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक जेनरिक नेम और एक दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब मान लो जैसे एग्जांपल ले रहे हो आप, मैं मैंगो का ही एग्जांपल दूंगी, मैंगिफेरा इंडिका। तो मैंगिफेरा जो है वो जेनरिक नेम है और जो इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लीनियस। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, कार्ल लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था। ही पब्लिश्ड द बुक सिस्टमा नटूरे, या नेचर इसको हम बोल सकते हैं। तो इसकी जो क्या है, इंट्रोड्यूस किसने किया था, कार्ल लीनियस ने किया था। और ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, कार्ल लीनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नटूरे में इसका जिक्र किया था। उसके बाद है कुछ नेम्स हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आर जनरली लेटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो नेमिंग होते हैं साइंटिफिक, वो लेटिन में होते हैं और जो ये लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये मैंने आपको बता दिया है, मैंगिफेरा इंडिका में मैंगिफेरा इज अ जीनस एंड इंडिका इज अ स्पीशी। बोथ वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन एंड इटैलिक्स इफ प्रिंटेड। तो इसमें क्या होता है, अगर आप हैंड रिटन हाथों से लिख रहे हो तो इट शुड बी अंडरलाइंड। साइंटिफिक नेम जो होते हैं, इट शुड बी अंडरलाइंड व्हेन यू आर राइटिंग इट, एंड इफ प्रिंटेड इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। तब ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं अगर आप प्रिंट करवा रहे हो। तो फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस शुड बी कैपिटल एंड स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज नेम शुड स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। तो जो जीनस है उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी स्मॉल।
यहाँ पे आप देख लो मैंगिफेरा इंडिका है, इसमें क्या है जो जीनस है, जेनरिक नेम है मैंगिफेरा, उसके जो फर्स्ट लेटर है इट इज़ कैपिटल, और जो स्पीशी है इंडिका इसके जो फर्स्ट वर्ड है इट इज़ फर्स्ट लेटर है इट इज़ स्मॉल, और ये इटैलिक्स में लिखे गए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन बहुत ही सिमिलर हैं, इस तीनों में क्लासिफिकेशन करी जाती है, बट देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। तो आइए देखते हैं। टैक्सोनॉमी होता है प्रोसेस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इट इज़ अ प्रोसेस, क्लासीफाई करते हैं जब हम किसके बेसिस पे, करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजिकल, इंटरनल मतलब एनाटॉमिकल, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। उसके बाद है हमारे पास सिस्टमैटिक्स। तो इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद देयर रिलेशनशिप अमंग देम। तो टैक्सोनॉमी में क्या हो रहा था बेसिकली, ये क्लासिफाई हम जब कर रहे थे तो उसके करैक्टरिस्टिक के बेसिस पे कर रहे थे, बट इन सिस्टमैटिक्स हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का आपस में और उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो ये डिफरेंस है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में। उसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज एंड सम ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। ये क्या करते हैं, कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं किसके बेसिस पे, जो करेक्टर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट टैक्साज में। टैक्सा मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी देख लो किसे कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है, अरेंजमेंट है वेरियस टैक्साज का। तो आइए देखते हैं कि टैक्सा का मतलब क्या होता है। टैक्सा इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन। तो टैक्सा क्या है, ये सम है एक और एक से अधिक पॉपुलेशन का, प्रजातियों का। तो ये देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे ये एक ऑर्डर में है लगे हुए, सबसे लोएस्ट जो है दैट इज़ स्पीशीज, आफ्टर दैट सेकेंड इज़ जीनस, थर्ड है फैमिली, फोर्थ है ऑर्डर, फिफ्थ है क्लास, और सिक्स्थ है फाइलम, एंड सेवेंथ इज़ अ किंगडम। किंगडम इज़ द हाईएस्ट। तो स्पीशीज़ देखते हैं हम सबसे पहले। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज सच एज स्पीशीज। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ की समानताएं के बेसिस पे करी जाती है दैट इज़ नोन एज स्पीशीज़। अब देखो मैंगिफेरा इंडिका थी, तो इंडिका में वो स्पीशी सिर्फ वही मैंगो रखे जाएंगे जिनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं। अब अगर उससे अलग करेक्टरिस्टिक होंगे तो वो डिफरेंट स्पीशी में रखी जाएंगी। जीनस हैव more than one specific epithet representing different organism but having morphological characters। ठीक है, इसमें क्या है कि जीनस जो होता है, स्पीशीज से नेक्स्ट जो होता है उसकी एक से अधिक प्रजातियां हो सकती है, स्पीशीज हो सकती हैं। तो मैंगिफेरा इंडिका में इंडिका इज अ स्पीशी, तो इंडिका जैसी बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं मैंगिफेरा की। तो हेयर इंडिका इज अ स्पीशी ऑफ द मैंगो। उसके बाद हमारे पास आता है जीनस। तो जीनस कॉम्प्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैव मोर करेक्टर्स इन कॉमन एज कम्पेयर टू स्पीशीज ऑफ अनदर अदर जेनरा यहाँ पे लिखना था। तो जीनस क्या होता है, जीनस कॉम्प्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, प्रजाति स्पीशीज जो होती हैं उसका क्या होता है, मोर करेक्टर्स कॉमन होते हैं। तो जो जीनस होता है वो क्या होता है, ग्रुप होते हैं किसके, रिलेटेड स्पीशीज के। जीनस कॉम्प्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, और स्पीशीज का क्या है, स्पीशीज के ज़्यादातर करेक्टर्स कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू स्पीशीज। यहाँ पे आगे लिखना था स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, यहाँ पे मिस्टेक है।
अब एग्जांपल ले लो कैट्स का, फेलिस, फेलिस इज अ जीनस, ठीक है। सोलेनम, सोलेनम भी एक जीनस है, किसका, ब्रिंजल पोटैटो, इसमें ही डाले जाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ब्रिंजल और पोटैटो, बट इनका जो जेनरिक नेम है, जेनरा है, जीनस है, दैट इज़ सेम, और क्या है वो, सोलेनम। उसके बाद आता है हमारे पास फैमिली, इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा हैविंग लेस सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सबसे लोअर है दैट इज़ स्पीशीज़, तो उसके ज़्यादातर करेक्टर्स कॉमन होंगे। फिर जेनरा है, उसके कम करेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे एज़ कम्पेयर टू स्पीशीज़। उसके बाद फैमिली है, तो इसके लेस सिमिलैरिटीज़ होंगी एज दैट ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज़। तो इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, बहुत सारे जेनरा एक फैमिली बनाते हैं। फैमिली की कम समानताएँ होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ जीनस एंड स्पीशीज, दे आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ प्लांट स्पीशी। तो ये किसके बेसिस पे करेक्टराइज करे गए हैं, ये कहे गए हैं वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ प्लांट स्पीशीज के बेसिस पे। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें, सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा, ये अलग अलग क्या हैं, जेनरा हैं, ये आर प्लेस्ड अंडर कॉमन फैमिली सोलेनेसी। तो क्या है इसमें, फैमिली है सोलेनेसी, और जो सोलेनम, पिटोनिया एंड दतूरा है, ये क्या है, डिफरेंट जेनरा है। तो फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो सोलेनम, पिटोनिया एंड दतूरा ये सारे जेनरा हैं जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं जिसे, जैसे सोलेनेसी। फेलिस जेनरा एंड पेंथ्रा लाइन आर प्लेस्ड अंडर फैमिली फेलिडी, ठीक है। तो फेलिस हमने किसके लिए, कैट्स के लिए यूज़ किया था, जेनरिक नेम है इसका। एंड पेंथ्रा लाइन आर प्लेस्ड अंडर फेलिडी, तो फैमिली कौन सी है इसमें, फेलिडी है। देख लो जिसमें भी ई ए ई होगा एंड में, दैट इज़ फैमिली। आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो तो ई ए ई जिसमें लास्ट में होगा, दैट इज़ फैमिली। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर, तो इट इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड फैमिली, फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाती हैं। जो ऑर्डर के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो लेस कॉमन होंगे, कम समानताएं उनमें होंगी एज कम्पेयर टू लोअर टैक्सास, दैट इज़ फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो फेलिडी किसके लिए था, फेलिडी कैट्स के लिए था, और जो कैनिडी है ये डॉग्स के लिए है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसी से, कैट्स होगा, कैनेडी जो है वो डॉग्स के लिए है, फेलिडी जो है वो कैट्स के लिए है, और ये सेम ऑर्डर में रखे जाते हैं। द ऑर्डर इज़ नोन एज कार्निवोरस। सोलेनेसी, कॉन्वुलेसी, हाइड्रोफाइलेसी आर प्लेस्ड अंडर कॉमन पेलमिनोडिल्स, ठीक है। तो क्या होते हैं ये, जो ये डिफरेंट जो फैमिलीज़ हैं ये एक कॉमन ऑर्डर के अंदर रख दिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन और फाइलम, इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी, ये सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी है, ध्यान रखना है। डिवीजन भी इसी को बोलते हैं और फाइलम भी इसका दूसरा नाम है। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय हैकल, फाइलम टर्म किसने दी थी, हैकल ने दी थी। फाइलम कॉर्डेट इंक्लूड्स ऑल एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, साइक्लोस्टोमेटा, क्रॉडिज थाइज, ऑस्ट्रिच थाइज जिसको हम फिशेस बोलते हैं, तो कॉर्डेटा के अंदर ये सारी आती हैं। उसके बाद किंगडम, इट इज़ द हाईएस्ट टैक्सा। उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, किंगडम हमारे पास आता है, द सो दिस इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम एनिमेलिया फॉर एनिमल्स एंड किंगडम प्लांटी फॉर प्लांट्स। ये तो आपने सुना ही होगा कि एनिमेलिया जो है उसमें एनिमल्स आते हैं और जो प्लांटी है उसके में प्लांट्स आते हैं। इसके सेपरेट चैप्टर्स हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे यहाँ पे, कि लोअर द टैक्सा मोर आर द करैक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। तो क्या है, सबसे जो लोएस्ट जो टैक्सा है, मान लो स्पीशी है, तो उसके मोर करैक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो कॉमन होंगे, सेम होंगे, और जो हाईएस्ट है दैट इज़ किंगडम, तो इसके बहुत लेस करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होंगे। तो लोअर द टैक्सा मोर आर द करैक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। उसके बाद आता है हमारे पास टैक्सोनॉमिक एड्स, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़।
तो जो स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए। हायर द टैक्सा लेसर आर द करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है हमारे पास हर्बेरियम। हर्बेरियम आपने बनाया भी होगा, देखा भी होगा। इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स एंड स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। तो हर्बेरियम क्या होता है? स्टोर हाउस इसे कहा जाता है, किसका? प्लांट्स को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस बिटवीन द हम पेजेस बुक्स में रख के प्रेस करते हैं इसको, बुक्स में रख देते हैं हम पत्तों को, और इट इज़ प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, फिर शीट्स पे इसको लगा देते हैं। जर्नल साइज़ जो हर्बेरियम शीट का होता है वो क्या होता है? 30x45, बट ये छोटा है किसमें? अमेरिकन हर्बेरियम में इसका साइज़ है 29x41। लेबल 7x12 आर फिक्स्ड ओवर लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द शीट्स। जो शीट्स होती हैं उसके जो लोअर राइट हैंड कॉर्नर होता है उसमें एक पर्टिकुलर कॉलम होता है जिसमें हम उसके बारे में लिखते हैं कि किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सी है, कहाँ से कलेक्ट किया गया है, कौन सी स्पीशी है और कब कलेक्ट किया है, और हम टाइम भी लिखते हैं उसमें। तो हर्बेरियम शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर। उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज की जाती हैं शीट्स। लार्जेस्ट हर्बेरियम इज़ लोकेटेड एट इंडियन बोटानिकल गार्डन सिपुर। याद रखना है लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पे है? इंडियन बोटानिकल गार्डन सिपुर में। और जो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है हर्बेरियम को बनाने के लिए, दैट इज़ मर्क्यूरिक क्लोराइड। स्प्रे कर दिए जाती हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड से। उसके बाद है बोटानिकल गार्डन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन जो बहुत ही ज़रूरी है स्टडी करने के लिए और प्रिजर्व किए जा सकते हैं। ईच प्लांट इज़ लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। जहाँ पे गार्डन्स होते हैं जो उसमें प्लांट्स की स्पीशीज होती हैं, तो वहाँ पर इसका नाम भी लिखा जाता है कि कौन सा प्लांट है, बोटानिकल साइंटिफिक नेम वहाँ पे लिखा जाता है। तो जो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इन द वर्ल्ड है वो कहाँ पर है? क्यू, लंदन में। और जो इंडियन बोटानिकल गार्डन है वो कहाँ पर है? हावड़ा, इंडिया में। और जो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? लखनऊ, इंडिया में। उसके बाद है हमारे पास म्यूज़ियम। तो कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो क्या किया जाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स का स्पेसिमेंस जो कि पढ़ने के लिए रखा जाता है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस में ही रखे जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क। These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care, which enable us to learn about their food habitat and behavior. तो ये कौन से places होते हैं जहाँ पे wild animals जो हैं रखे जाते हैं और वहाँ पे protected environment उनको provide किया जाता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, और तो उससे हम क्या कर सकते हैं? उसके हम food habitat के बारे में जान सकते हैं और behavior के बारे में जान सकते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द नेचर। मेंटेन करके रखता है बैलेंस नेचर का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, दैट इज 1972। उसके बाद हमारे पास आता है कि इट इज टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो ये क्या है? एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो यूज़ की जाती है प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी सिमिलैरिटी, समानताएं और असमानताएं के बेसिस पे। कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जर्नली इन पेयर कॉल्ड कपलेट्स। तो जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे जो है अरेंज किए जाते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? कपलेट्स कहते हैं। ईच स्टेटमेंट द की इज कॉल्ड अ लेड की। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लेड की। हर स्टेटमेंट की में क्या कहा जाता है? लेड की कहा जाता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल। थैंक यू।